आज के इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारत सरकार में मंत्री बहन स्मृति रानी जी, हमारे छोटे भाई और सरकार में मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे महामंत्री अरुण सिंह जी, सीटी रवि जी, हमारे तरुण चुग जी महामंत्री, और हमारे अनिल बलूनी जी, संजय मयूख जी, और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी आपने 8 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसके लिए समर्पित नरेंद्र मोदी जी की सरकार का थीम सॉन्ग में आपने कम समय में सारी बातों को रखने का प्रयास किया गया है, जिसको आपने एक थीम सॉन्ग, थीम गीत का के माध्यम से आपने देखा। उसके साथ साथ आपने अभी एक वेबसाइट हमने लॉन्च की, माइक्रोसाइट, ये नमो ऐप पर इनोवेशन भारतीय जनता पार्टी का और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी के कार्य करने में हमेशा हम सबको दिखता है, और उसी इनोवेशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमो ऐप के तहत माइक्रोसाइट में जा करके एक नया मॉड्यूल खड़ा किया है, जो इंटरेस्टिंग भी है, इंटरैक्शन भी है, इन्फॉर्मेशन भी है और इनोवेशन भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मॉड्यूल में को गेमिफाई किया गया है, एक खेल के माध्यम से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लें, यंग इंडिया जुड़े, यूथ जुड़े, और वो इसको कैसे इस माइक्रोसाइट में जाकर के गवर्नमेंट के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में एक जानकारी हासिल करेगा। इसमें इसी माइक्रोसाइट में है प्ले एंड लर्न, इसी माइक्रोसाइट में आपने देखा भी, उन्होंने परिचय में बताया कि स्क्रैच करो, क्विज खेलो, क्विज के माध्यम से आप अपने स्कोर बढ़ाओ, और स्कोर बढ़ाते हुए यू कैन रीच अ पर्टिकुलर लेवल। तो यूथ इंडिया को इनोवेशन के माध्यम से, इस माइक्रोसाइट के माध्यम से, कौन से काम सरकार ने 8 साल की अवधि में किया है और उसकी राइट इन्फॉर्मेशन और उसको जानने के साथ साथ एक गेम के तरीके से खेलने का इस वेबसाइट में प्रयोजन किया गया है। तो इसके साथ साथ जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, उनको इस सैचुरेशन पॉइंट तक हमारे MPs और MLAs कैसे पहुँच सकते हैं, वो जिन जिन बेनिफिशियरी से मिलते हैं उनके वीडियोस वो अपलोड करके इसमें डाल सकते हैं, वो उसको शेयर कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि MPs और MLAs भी इस माइक्रोसाइट का उपयोग करते हुए अपने अपने क्षेत्र में बेनिफिशियरीज के सैचुरेशन पॉइंट को, यानी लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको जानने के लिए, और MP और MLA हमारे कितना इसका काम कर पा रहे हैं इसको हमें जानने के लिए यह माइक्रोसाइट बहुत ही लाभकारी होगी। यानी वी आर ट्राइंग कि इस इनोवेशन के माध्यम से हम पार्टिसिपेटिव बनाएं और हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वह रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हुए लास्ट माइल डिलीवरी में अपना उपयोग कर सकें, यह इसमें करने का उपयोग किया गया है। तो मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी इस वेबसाइट के बारे में, एक बैकग्राउंड आपके सामने रखने की कोशिश की है। आज जब हम इस संवाददाता सम्मेलन में एकत्र आए हैं तो हम देश अमृत महोत्सव भी मना रहा है आज़ादी के, और देश 8 साल मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको भी मना रहा है। अब ये जो शब्द है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं ढूंढ करके निकाले गए हैं, ये मोदी गवर्नमेंट की आत्मा है, ये मोदी गवर्नमेंट के काम करने का तरीका है, ये मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सारे कार्यक्रमों को गवर्न करने के लिए किस दिशा में जाना है उसका एक तरीके से कहिएगा कि यह इस बैकग्राउंड में उन्होंने चलने का निर्णय किया है, ये हमको इसमें से समझ में आता है। मैं जब अब कम समय में 8 साल की गाथा तो बताना बड़ा मुश्किल है और किसी के लिए भी इसको कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अगर पहली बात कहेंगे तो मैं मानता हूं कि
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है. द कल्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई. पॉलिसी पैरालिसिस से चलते हुए हमने एक लंबी यात्रा 2014 से लेकर के हमने एक लंबी यात्रा की है. टुडे वी सी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, टुडे वी सी अ प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, टुडे वी सी प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. और यह हमारे अंतिम पायदान पे उसकी सेवा के लिए तत्पर दिखती हुई सरकार है जो समाज है उसको मजबूती करने के लिए. यह कमजोर है की बात करते हैं तो आप कल्चर वाली सरकार दिखती है बात करते हैं तो आपने सुना होगा ये तो ऐसे ही चलेगा, ये तो ऐसा ही हुआ है. और सरकारें कह देती थी जितना हुआ कर दिया भाई, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता था. ये कल्चर था. दिस वॉज दी जनरल सेइंग. वाक्यों में इसी तरीके से राजनीति को ट्रांसलेट किया जाता था. आप लोगों की भाषा में उसको डिकोड किया जाता था. आज स्पष्ट है मोदी है तो मुमकिन है और ये आम व्यक्ति की आवाज है. ये कोई भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं है, ये आम व्यक्ति की आवाज है कि यस इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज देयर दिस इज पॉसिबल. मोदी है तो मुमकिन है, यह परिवर्तन हमको देखने को मिलता है. अगर हम संस्कृति की बात करें तो जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, ये सब चीजें, भ्रष्टाचार, अनाचार, इन सब को चैलेंज करते हुए और जिसको हम कहते हैं धत्ता दिखाते हुए, इसको कन्फ्रंटिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे से लड़ाई लड़ने की मानसिकता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 साल में काम किया है. और क्या किया है? सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासवाद की एक अविरल यात्रा, न रुकने वाली यात्रा, इसका प्रारंभ किया है. अगर इसी में हम देखें तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति और उसके साथ जो हमारी स्कीम्स हैं वो सारी उसी तरफ जाती हैं जो महिलाओं को और युवाओं को सशक्तिकरण देता है. इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है और आप सब जानते हैं कि उसका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर के हम आगे बढ़े हैं. अगर अंत्योदय की बात करें तो गरीबी उन्मूलन का विषय, उसको हम लोगों ने बहुत तीव्र गति से आगे रखने का प्रयास किया है. नेशन फर्स्ट ये कहने के लिए नहीं था, मैं आगे आकर के आपको बताऊंगा कि हमारे सारे प्रोग्राम्स कैसे नेशन फर्स्ट की तरफ हमारी पॉलिसीज डायरेक्ट हुई हैं, उसको भी हमको समझने की आवश्यकता पड़ेगी. और ये जो बदलाव की कहानी है यही हमारी प्रगति की निशानी रही है. पहले स्कीम्स कागज़ पर बनती थी. मैं एक लंबे समय तक MLA भी रहा हूँ, मुझे मालूम है ज़मीन पर कैसे काम होता था. कागज़ पर स्कीम बनती थी, कागज़ पर ही इम्प्लीमेंट हो जाती थी और कागज़ पर ही उद्घाटन हो जाता था. आज डिक्लेरेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड इन लेटर एंड स्पिरिट. नीचे तक उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. अभी जो इकोनॉमी की चर्चा हम करते हैं तो आपके ध्यान में आया होगा कि कोरोना की मार के पश्चात और यूक्रेन की लड़ाई के पश्चात भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, हमारे IMF ने गरीबी की रेखा को भारत में 22% से रिड्यूस करके 10% पर लाके खड़ा कर दिया है. दैट मीन्स 12% लोग BPL के दायरे से निकल करके, गरीबी की रेखा से निकल करके आगे आए. उसी तरीके का दूसरा प्रोजेक्शन रहा कि जहां अति गरीब की संख्या 1% थी वह भी रिड्यूस होकर के 0.8% आ गई है और उसको भी स्टेबल रखा है. ये सारी कोरोना की लड़ाई में, कोरोना के आपदा में और इसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ों में. अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स की बात करें तो वो डबल हो गई है
और मैं आंकड़ों में आपको रख रहा हूं, छोटी सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि एक एक गो थ्रू हो जाए सो दैट आपकी मेमोरी लेन में भी वो रिफ्रेश हो जाए. फॉर दैट ओनली आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. $300 बिलियन US डॉलर्स से बढ़ करके $600 बिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया है, जस्ट डबल्ड. उसी तरीके से आप देखिए प्राइमरी स्कूल्स, हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, 70 सालों में शिक्षा विभाग ने 6,37,000 स्कूल्स बनाए थे और हमारे इस 8 सालों में 6.53 लाख हमारे प्राइमरी स्कूल्स बने हैं. इसलिए यूनिवर्सल एजुकेशन की दृष्टि से जहां हम आगे बढ़े हैं, वहीं पर पर्सन की प्रॉफिट, वो भी इनकम भी डबल हुई है. 2014 में हमारी पर ईयर इनकम एवरेज वॉज 79,000, टुडे इट इज 1,50,000. और ये मैं आपके सामने आंकड़ों के साथ रख रहा हूं इसलिए कि आपको स्टैटिस्टिकली समझ में आए कि व्हाट डिफरेंस मोदी गवर्नमेंट हैज मेड. उसी तरीके से अगर हम देखें प्रोडक्शन इन फूड ग्रेन्स, तो ये 255 मिलियन टन्स से बढ़ करके 316.06 मिलियन टन्स हो गया है. अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अभी जो ये लास्ट फिस्कल ईयर गया इसमें $418 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ. यानी नाउ वी आर, इंडिया हैज बिकम अ मेजर एक्सपोर्टर कंट्री. $418 बिलियन का हमारे यहाँ वो हुआ है. IMF का जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है वो जहाँ अमेरिका का 4.4 है तो इंडिया का 2.8% है. तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन हमारा कैसा है. एग्रीकल्चर में हम ने जो प्रोडक्शन है एक्सपोर्ट्स में, जो हम एक्सपोर्ट्स में, वो 23% का इंक्रीज है. और एग्रीकल्चर बजट 23,000 करोड़ का होता था, आज 1,23,000 करोड़ प्लस है. यानी 10 टाइम्स से ज़्यादा उसकी इंक्रीज हुई है, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. उसी तरीके से जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वह भी डबल हुआ है. 112.33 लाख करोड़ था इन 2014, नाउ इट इज 232 लाख करोड़. ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ा है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम $500 बिलियन यानी 500 बिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में, और दिस इज 65% इंक्रीज. ये 65% की उछाल है, 65% इसमें बढ़ा है. GST कलेक्शन 1,67,000 लास्ट क्वार्टर में गया है और यह भी अपने आप में रिकॉर्ड कलेक्शन है, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये 2022 के बाद हमारे पास 2020 के बाद स्टैटिस्टिक्स नहीं आए हैं क्योंकि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वो स्टैटिस्टिक्स निकालना बंद हो गया है. लेकिन लास्ट इज इट स्टार्टेड फ्रॉम वी वर ऑन द 142 नंबर एंड द लास्ट वाज 63, वी हैड रीच 63 और आज 2022 में निश्चित रूप से हम और आगे ही बढ़े होंगे, उसके स्टैटिस्टिक्स हमारे पास नहीं है. उसी तरीके से हमारी $3 ट्रिलियन की US डॉलर्स की इकॉनमी हमारी बनी है और टारगेट इज $5 ट्रिलियन इकॉनमी हमको बनानी है. तो उस ओर हम प्रगति के साथ आगे बढ़ रहे हैं. कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि गांधी के नाम पर कांग्रेस के लोग 70 साल राज करके खादी के नाम पर राज करेंगे और खादी का वो बुरा हाल 70 साल में करेंगे. आपको जानकर के खुशी होगी कि इस साल का टर्नओवर 1,15,000 करोड़ है और फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बन गया है हमारा खादी. ये हमको समझना चाहिए कि आज खादी को कितना वो दिया गया है. हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स का 100% गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है उसको देने का प्रयास किया गया है. गरीब कल्याण अन्न योजना, दिस हैज़ बीन अप्रिशिएटेड वर्ल्ड ओवर. इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय IMF, इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय UN जनरल असेंबली, एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड इट. क्यों? क्योंकि कोरोना के दौरान हेल्थ इश्यूज के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को किसी ने भी रिजॉल्व किया तो उसमें भारत नंबर 1 पर खड़ा है. 80 करोड़ की जनता को 5
किलो गेहूं देना, 5 किलो चावल देना, 1 किलो दाल देना, 2 साल से इस काम को चलाए रखना। ये अति गरीबी की रेखा को 0.1% से भी जो 0.8% पे ले जाने में ये बहुत लाभकारी रहा है, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। किसान सम्मान निधि, हमारे कांग्रेस पार्टी वाले हर चुनाव में 10 साल के बाद वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए वो कर्जा माफी का विषय उठाते थे, जिसका सारा इन्वेस्टमेंट 57,000 करोड़ बनता था 10 साल में एक बार। ये था इनका मैजिक, ये था इनका कांग्रेस का मैजिक। और प्रधानमंत्री जी ने 10 किश्तें 6,000 रुपये, 2,000 रुपये हर क्वार्टर पर अपने 10 किश्तें दी हैं, और 1 लाख हमारे 1,65,000 करोड़ हैव बीन स्पेंट टिल डेट। और कल 11वीं किश्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिमला के रिज मैदान से उसको रिलीज करेंगे, और 11 करोड़ किसानों को 1,80,000 हैज बीन गिवन एंड इन 10 इंस्टॉलमेंट्स, एंड टुमारो कल जो होगा वो 11वीं किश्त होगी। 700 जगहों पर हमारे बहुत बड़ा किसान सम्मेलन होगा, 700 प्लेसेस पे हमारे मिनिस्टर्स होंगे। शिमला के रिज मैदान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल हमारे लाभार्थियों को एड्रेस करेंगे, और वहाँ से वो 11वीं किश्त रिलीज करेंगे। हर एक कृषि विकास केंद्र में, कृषि विज्ञान केंद्र में, KVK में इसका कार्यक्रम होगा, और इसके अलावा पार्टी के द्वारा 700 प्लेसेस पर वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, तो इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। आयुष्मान भारत के बारे में बोलूं तो वर्ल्ड का एजेंडा है यूनिवर्सल हेल्थ केयर, वर्ल्ड का एजेंडा है यूनिवर्सल हेल्थ असिस्टेंस, ये वर्ल्ड का एजेंडा है। लेकिन आज दिन तक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देने में कोई देश कामयाब नहीं हुआ है, और वेस्टर्न वर्ल्ड तो इलेक्शन ही हेल्थ इश्यू पर लड़ती है, हेल्थ सिक्योरिटी पर लड़ती है। बहुत से प्रेसिडेंट्स आए यूएस के, सब ने हर एक तरीके की बातचीत की, लेकिन आयुष्मान भारत 50 करोड़ प्लस यानी 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, और कौन है, मैं बार बार बोलता हूं, ये कोई कास्ट के माध्यम से नहीं है, ये बाय प्रोफेशन है, रेड़ी वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, फेड़ी लगाने वाला, रैग पिकर, ये बाय प्रोफेशन, बार्बर बेचारा जो बाल काटता है, जो रेड़ी चलाता है, ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को चुन चुन करके 50 करोड़ लोगों को यह आयुष्मान भारत का 5 लाख का एनुअल हेल्थ कार्ड दिया गया है। और इसमें आपको जानकर के खुशी होगी कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुविधा उठा ली है, 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पे खर्च हो चुका है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने तय किया है कि 12 करोड़ से ज्यादा घरों में हम पानी पहुंचाएंगे नल से जल, और 9 करोड़ पहुंच चुके हैं। उसी तरीके से सौभाग्य योजना, 2 करोड़ 81 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से इसकी मर्मता समझाना चाहता हूं, क्योंकि गांव से आता हूं, आपको शायद उन बच्चों की साइकोलॉजी मालूम ही नहीं है जिनके घर में बिजली नहीं है, वो उनका जीवन में डिग्निटी नाम की चीज कितनी कॉम्प्रोमाइज है, इसका आपको अंदाजा नहीं होगा। वो पढ़ने के लिए किसी दूसरे के घर में जाते हैं, और इसकी संख्या छोटी नहीं थी, 2 करोड़ 18 लाख घरों को बिजली पहुंचाई गई है, यानी लिविंग विद डिग्निटी। ये 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया गया, बार बार लोग बोलते हैं टॉयलेट दिए गए, नो इट्स नॉट दैट ओनली। आप लोगों तो गांव में घूमते ही होंगे, आप लोग कवर करने जाती हैं, गांव में बताइए औरतें झुंड का झुंड बना करके निकलती थी कि नहीं निकलती थी फॉर देयर डेली नीड्स। और इसका मतलब सिर्फ मां ही नहीं है, मां के साथ बच्चा भी है, इसका मतलब, और इसकी संख्या छोटी नहीं है, 11 करोड़ है। तो यानी 11 करोड़ लोग इस देश में 70 साल की आजादी के पश्चात डिग्निटी के साथ जी नहीं पा रहे थे, यह स्थिति थी, और मोदी जी ने 8 साल के अंदर उनको लाइफ विद डिग्निटी देने का काम किया है। 130 करोड़ की जनता में 11 करोड़ महिलाएं हों, और 130 करोड़ की जनता में एक एक बच्चा भी होगा तो 11 करोड़ बच्चे हों, तो ऐसे देश को अगर हम कहें कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो इसका ट्रू अर्थ हमको इसमें से समझ सकते हैं, इसको हम जान सकते हैं। जल जीवन मिशन की मैंने आपसे बात की, हमारे बगल में बैठे हैं पूर्व के पेट्रोलियम मिनिस्टर, उज्ज्वला योजना इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से इसको शुरू की, 9 करोड़। और मैं तो बार बार लोगों को बोलता हूं कि हेल्थ का इशू देखिएगा,
तो पल्मोनरी डिजीज और पल्मोनरी डिजीज के साथ साथ ये लंग्स का इन्फेक्शन, ये महिलाओं का कम हुआ। इतना ही नहीं, अगर शौचालय की बात करें तो वाटर बोर्न डिजीजेस कम हो गए क्योंकि स्वच्छता आ गई, ये चेंजेस आए हैं, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए उज्ज्वला ने महिलाओं का सशक्तिकरण जिस तरीके से किया है वह भी हम सबको ध्यान में आता है। 2.38 हाउसेस बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। अब मैं ही पहले एमएलए होता था, एक इंदिरा आवास योजना होती थी, 40,000 रुपए दिया जाता था। ये आपको ग्राउंड की बात सुना रहा हूँ। और हमारे को बोलते थे कि नड्डा जी आप एक पंचायत में दो घर बता दीजिए, 40,000 रुपए दे दें। दिस वॉज द पेस ऑफ आवास योजना। और आज प्रधानमंत्री आवास योजना 2,38,00,000 घर बन करके तैयार दे दिए गए, पक्की छत, रसोई का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, शौचालय, बेडरूम, सारी फैसिलिटीज। उसी तरीके से हम अगर आत्मनिर्भर की बात करें तो हर गरीब को घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, गैस का कनेक्शन मिले, हर गांव को इंटरनेट मिले। अब देखिए आप और हम तो इंटरनेट में रहते हैं, इंटरनेट के युग में रहते हैं, पूछते हैं कहीं रात को गुजारना पड़ जाए तो हमारा पहला प्रश्न होता है यहाँ वाईफाई है, यहाँ जैसे एज इफ मेरी दुनिया ही समाप्त हो जाती है, दिस इज अवर लाइफ स्टाइल। आप उन गांवों की बात सोचिए ना, और गांव कितने हैं, 6,00,000+, 6,00,000, और सबको इंटरनेट से जोड़ना, ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, ऑप्टिकल फाइबर के साथ का नेटवर्क बिछाना, ये काम 8 साल में हुए, 8 साल बेमिसाल की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। और ये है उनको एम्पावरमेंट देना, उनको उनको लाना। मैं बार बार एमएलए का जिक्र करूंगा, लेकिन हमारा एक्सीएन हमको बोलता था कि आपके बजट में 40,00,000 हैं, आपके 40 सड़कें हैं, आप बताइए 1-1,00,000 सब में डाल दूं या आप कोई 2 सड़क बताएंगे तो मैं 20-20,00,000 दे करके 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर उसको बना दूंगा। दिस वॉज द प्लाइट। एंड टूडे 6,00,000 विलेजेस आर बींग कनेक्टेड विद ऑल वेदर रोड। ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का रूप जिसको हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की और बॉर्डर रोड्स की बात करें तो हमारे पास 6,769 किलोमीटर्स की रोड्स और ब्रिजेस सिर्फ ये जिसको हम कहते हैं बॉर्डर एरिया में, चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर एरिया में 6,763 किलोमीटर्स की रोड बनी है, 15,000 मीटर्स की ब्रिजेस बने हैं जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि 100 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए गए, कभी सोचा नहीं था, और भारत ने इसमें भी एक अपना स्थान स्थापित किया। चंद्रयान और मंगलयान के मिशन पर फोकस करके हम काम कर रहे हैं। विमेन की बात अगर हम करें तो उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर के सुकन्या योजना से लेकर के मातृशक्ति की बात करते हुए, और यहां मैं आपके सामने एक बात जरूर बताना चाहूंगा, कभी आप लोगों को इसकी कल्पना नहीं हुई होगी लेकिन मैं शेयर करता हूं। राइट फ्रॉम कंसीविंग ऑफ ए वुमन टिल डिलीवरी विथ ऑल कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे की सारी चिंता भारत सरकार कर रही है। ये आप इसको समझिए कि किस तरीके से मेटर्निटी इशू को, महिला के इशू को प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है। ये छोटी घटना नहीं है। The day a woman conceives, right from that day, टीकाकरण शुरू हो जाता है, हर 2 सप्ताह बाद उसकी चेकिंग शुरू हो जाती है, वहां से डिलीवरी तक, डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, डिलीवरी करा करके वापस उसको पहुंचाना, उसको उसके लिए व्यवस्था करना, ये सारी चीजें भारत सरकार ने वुमेन की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए करने का काम किया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक विषय मैं जरूर कहूंगा कि हमने संस्कृति की भी रक्षा की है, और चाहे वो भव्य राम मंदिर बनने का सवाल हो, चाहे वो भव्य काशी हो, चाहे भव्य हमारा भव्य और दिव्य काशी हो, महाभारत सर्किट हो, बौद्ध सर्किट हो, रामायण सर्किट हो, केदारनाथ का पुनरुद्धार हो, सोमनाथ का विकास हो, और स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह भी मॉडर्न इंडिया का एक तरीके से भारत के इतिहास को प्रतिलक्षित करने का एक बहुत बड़ा एक केंद्र बना है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा। और इसके साथ साथ मैं यह भी जरूर कहना चाहूँगा कि नेशनल हमारा ये
डिफेंस का अपना वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल कब का कॉन्सेप्ट था? 2014 में मोदी जी ने क्लियरेंस दी, 2019 में बना करके खड़ा कर दिया। ये सारी चीजों के प्रति जो काम हुआ है, पंचतीर्थ की बात हम करते हैं, मऊ से लेकर के लंदन में जहां डॉक्टर अंबेडकर पढ़े, वहां से लेकर के कहां उनका उन्होंने अपना ये महापरिनिर्वाण हुआ उनका, कहां उनको उन्होंने दीक्षा ली, ये सारी जगहों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम यह भी भारत सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है, यह हम सब लोग जानते हैं। अगर हम दिवस की दृष्टि से देखें तो फिर संविधान दिवस, तो संविधान तो 26 नवंबर को निश्चित रूप से चर्चा में आ गया था, लेकिन संविधान दिवस मनाने का काम किया तो इस सरकार ने किया। सामाजिक समरसता दिवस का तय किया तो वह भी इस सरकार ने तय किया। विभाजन विभीषिका दिवस तय किया तो वह भी सरकार ने 14 अगस्त को तय किया। राष्ट्रीय एकता दिवस उसको भी हमारी सरकार ने तय किया। जनजातीय गौरव दिवस उसको भी हमारी सरकार ने तय किया। तो यानी ये दिवस भी अपने आप में भारत की संस्कृति और भारत के लिए काम करने वाले लोगों को, योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस, वी वेंट ग्लोबल और दुनिया में उसका हमने एक स्थान बनाया, वह भी हम सबको ध्यान में रखता है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट एक जिसको हम कहते थे कि एक पिछड़ा इलाका, कटा हुआ इलाका, अलग से देखने का दृष्टिकोण यह हमारी केंद्र की सरकार ने रखा था। उसकी मेन स्ट्रीमिंग अगर की गई है तो वह मेन स्ट्रीमिंग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। बंद और ब्लॉकेट से निकल करके आज वह मेन स्ट्रीम में आज आया है। लगभग 50 टाइम्स हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा हो चुका है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पूर्व के प्रधानमंत्री जो असम से ही आते थे वो कितनी बार दौरा किए थे, लेकिन ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन जरूर है कि आप जरा पता कीजिएगा कि व्हाट डिफरेंस नॉर्थ ईस्ट इज मेकिंग टुडे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से अगर हम कहें नागालैंड का पीस समझौता 2015, NLFT का समझौता 2019, ब्रू रियांग का समझौता 2020, बोडो शांति समझौता 2020, कार्बी आंगलोंग समझौता 2021, ये सब पेंडिंग इश्यूज थे नॉर्थ ईस्ट के। बट आई एम गिविंग यू जस्ट अ ब्रीफ पिक्चर ईयर वाइज कि नॉर्थ ईस्ट के कितने समझौते भारत सरकार ने किए और वहां पर पीस लाने के लिए क्या क्या काम हुआ है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि 1500 करोड़ का एक स्पेशल बजट का प्रावधान नॉर्थ ईस्ट के लिए किया गया है। फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडिया फर्स्ट, हमारी अपनी, हमारा इंटरेस्ट, देश का इंटरेस्ट, इसको ध्यान में रख करके उस पॉलिसी को भी बनाया। पड़ोसियों के साथ विशेष ध्यान देने की योजना भी बनी, हमने अपने पड़ोसियों के रिश्ते साथ रिश्ते मजबूत किए, गहरे किए। और इतना ही नहीं, अगर कोई देश पर संकट आया तो हमारे लोगों ने फॉरेन पॉलिसी का उपयोग करते हुए, फिर चाहे अफगानिस्तान से लोगों को लाना हो, यमन से लाना हो, यूक्रेन से लाना हो, और छोटी संख्या नहीं है ये ऑपरेशन गंगा, ये राहत ऑपरेशन राहत, ये छोटी संख्या नहीं है, 23,000 लोग आए हैं, 1400 सॉर्टीज लगी है, 140 सॉर्टीज लगी हैं। तो ये सारे काम को प्रोएक्टिव तरीके से करने का काम हमारी सरकार ने किया है। Amity has been ranked India's number one private university in the recently released Education World 2022 rankings, a testimony to Amity's globally benchmarked standards in education. Everyone said the road was impossible. Everyone said not in our lifetime. Everyone said the battle was unwinnable. Only KCR believed and made it possible. And how? The Internet of Things is everywhere. Physical spaces are being replaced by a virtual world.
There is an app for practically every aspect of our lives. But we are giving out something vital about ourselves, data. Do you know who's using your data or perhaps misusing it? How can our young adults practice responsible digital engagement and stay safe in this online world? Amrita University presents Safe in Siberia, only on NDTV 24/7. आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने देश के सर्वोच्च पदों से यानी सर्वोच्च सम्मान से उनका सम्मान किया है। यह भारत की बदलती छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने हासिल की है और हम सब लोगों ने तय किया है कि ये 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम को लेकर हम एक पखवाड़ा मना रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड के माध्यम से उन्होंने जो हमारे गरीब बच्चे जिनके माँ बाप कोरोना में नहीं रहे उनके साथ वार्तालाप करते हुए उनको सपोर्ट करने का जो निर्णय किया था उसको आज इम्प्लीमेंट किया है। स्मृति जी का मंत्रालय ने उसको कोऑर्डिनेट किया है। कल किसानों का कार्यक्रम होगा और उसमें वो किसानों को संबोधित करेंगे और इसके बाद हम हर दिन एवरी बीजेपी वर्कर इज गोइंग टू डिवोट 75 hours in 10 days for and we will focus, हम focus करेंगे different sections of the society को। एक दिन महिला के लिए करेंगे, एक दिन SC के लिए करेंगे, एक दिन ST के लिए करेंगे, tribals के लिए करेंगे, एक दिन OBC के लिए करेंगे, एक दिन युवाओं के लिए करेंगे। इस तरीके से हम 10 दिनों में 15 days लेकिन 10 days को हम focus तरीके से इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा 8 साल मोदी सरकार के विषय को पहुंचाने का है। हमारे भारत सरकार के मंत्री विभिन्न स्थानों पर जाकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स काम में चल रहे हैं उनका इंस्पेक्शन भी करेंगे, उनको देखेंगे भी, उसकी प्रगति भी नोट करेंगे और उसके साथ साथ समाज को उस विकास की कड़ी से जोड़ने का काम हमारे मंत्री करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो 8 साल में काम किया, मैंने कोशिश की कि कम शब्दों में रखूं, आपके लिए ज़्यादा शब्द हो गए होंगे लेकिन काम की श्रृंखला इतनी बड़ी है कि सिलेक्ट करते करते भी मन में हमेशा आता है कि यह पहलू छूट गया, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं आपको एग्जॉस्टिव तरीके से एक तस्वीर खींचने का प्रयास करूं। आप सब लोग ने सुना, आपके माध्यम से भारत की जनता तक पहुँचे और हम उसमें सफल हों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपके प्रश्न लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आप बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन समय की मर्यादा के कारण कुछ लोगों से सवाल लेंगे। लीज मैथी, your question is what challenges we faced during this process, what are the major challenges we faced? Yeah, and also how do you think that the government has tackled the unemployment? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैंने कहा कि भारत की संस्कृति बदली है तो गवर्नेंस में सबसे पहली बात है लास्ट माइल डिलीवरी, वो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। पॉलिसी एंड इंप्लीमेंटेशन, और पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन के बीच में जो पॉलिसी बनी थी वो लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज हिमसेल्फ टेकन केयर ऑफ मॉनिटरिंग द लास्ट माइल डिलीवरी एंड दैट इज व्हाई द स्टैटिस्टिक्स शो द चेंजेस व्हिच हैज कम फॉरवर्ड। तो और मैं ये मानता हूं कि जब आप, जैसे मैंने कहा, कुछ नहीं होता है और अब आप कहते हो मोदी है तो मुमकिन है, तो बहुत बड़ा हिलाने का काम तो किया ही होगा ना। तो वो हिलना जो होता है उसमें तो सब लोगों को, तो दैट वाज द ग्रेटेस्ट चैलेंज व्हिच ही हैज सरपास्ड।